तो हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूँ न्यू यूट्यूबर्स के बारे में। कि न्यू यूट्यूबर जो जब भी अपना चैनल क्रिएट करता है तो उसके सामने बहुत दिक्कत होती है सब्सक्राइबर गेन करना एंड व्यूज़ को अपने चैनल को ग्रो करवाना, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो क्या क्या दिक्कत का सामना करके न्यू यूट्यूबर जो है आगे बढ़ता है और बहुत बंदा क्या होता है डिमोटिवेट हो जाता है, बस इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि न्यू यूट्यूबर के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि न्यू यूट्यूबर के साथ ऐसा क्यों होता है और क्यों आगे नहीं बढ़ पाता है। कोई भी न्यू यूट्यूबर अगर लगातार मेहनत करता है तो पर भी आगे नहीं बढ़ पाता है, कोई कोई डिमोटिवेट हो जाता है और जो जो मोटिवेट रहता है वो आगे बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है उनका चैनल। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसे टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली दिक्कत क्या होती है कि जब भी न्यू यूट्यूबर क्या करता है अपने जो चैनल है वो क्रिएट करता है और एक कैटेगरी वाइज अपने वीडियो को अपलोड करता है, पब्लिश करता है अपने यूट्यूब चैनल पर, और लगातार वीडियोज़ को अपलोड करने के बाद भी उसका जो चैनल जब मतलब जो होता है ग्रो नहीं कर पाता है, ग्रो नहीं करवा पाता अपने यूट्यूब चैनल को, तब जाके वो डिमोटिवेट हो जाता है और अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ देता है। और क्या होता है कि बाद में उसका जो चैनल है, बाद में जाके अगर वो फिर से चैनल को स्टार्टिंग करना चाहता है छोड़े हुए चैनल को, तो उसका जो सर्वर जो रहता है मतलब लाइन रहता है, एक रेखा बोल सकते हो कि ग्रोविंग रेखा, वो नीचे हो जाता है। लाइन जो होती है ग्रोविंग लाइन, वो नीचे हो जाती है, जिसके कारण से वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मतलब मान लीजिए आप एक न्यू यूट्यूबर हो, एक न्यू क्रिएटर यूट्यूब का, आप तब से एक यूट्यूबर हो जब से आपने एक चैनल क्रिएट किया, तब से हो एक यूट्यूबर जब आपका जियो सब्सक्राइबर काहे नहीं क्यों नहीं हो, तब से आप एक यूट्यूबर हो। और फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपको क्या करना है, रेगुलरली एक कैटेगरी वाइज अपने वीडियोस को अपलोड करनी है। आपको व्यूज़ ना ही देखनी है, ना ही सब्सक्राइबर देखनी है, बस वीडियो को अपलोड करते जानी अपने यूट्यूब चैनल पर, तभी जाके आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मतलब क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत बंदा डिमोटिवेट हो रहा है, उसका जो सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है एंड जो ग्रोविंग लाइन है वो डाउन होती जा रही है। कंपटीशन इतना हाई लेवल हो गया है अभी यूट्यूब पर, एक मान लीजिए एक यूट्यूबर एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत बंदा इस पर काम करता है और बहुत बंदा का यूट्यूब जो करियर है वो सक्सेस हो जाता है, बहुत बंदा का डाउन हो जाता है। कोई कोई बंदा सक्सेस हो की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और कोई कोई बंदा क्या होता है डाउन होकर नीचे आ जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो और आ गए हो यूट्यूब पर, तो आपको रेगुलरली मेहनत करनी है, कुछ नहीं देखनी, ना ही व्यूज़ देखनी, ना ही सब्सक्राइबर देखनी, बस अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ को अपलोड करते जानी है, ताकि आपको मतलब ऐसा लगे कि आपको मोटिवेट हमेशा रहना है अपने YouTube चैनल पर, अपने YouTube करियर पर, कुछ नहीं देखनी, अपने YouTube चैनल पर ओनली फॉर वीडियो को अपलोड करते जानी है। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ जानकारी, यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज को बनाता रहता हूं के लिए। तो मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।